हेलो एवरीवन, आज हम पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं हमारे चार ओर, कोई अम्लीय होता है, कोई क्षारीय, कोई न्यूट्रल भी होता है। तो जो अम्लीय क्षारीय पदार्थों की पहचान हमें जैसा कि बताया जाता है छोटी क्लासों के अंदर, अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, क्षार टच करने पर साबुन जैसे हमें महसूस होते हैं। लेकिन हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके या उसको टच करके उसकी अम्लीयता क्षारीयता को नहीं पहचान सकते। तो कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स हैं, कुछ यूनिवर्सल सॉल्यूशन हैं, वो हम यूज करके ये बता सकते हैं भी किसी सब्सटेंस का पीएच मान कितना है, वो अक्षार है या अम्ल है। तो हमने इन टेस्ट ट्यूब के अंदर, जैसे ये है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेस लिया है, ये हमने मिल्क, ये कोकोनट ऑयल, ये पोटैटो, ये हमारा लेमन वाटर है, और ये हमारा साल्ट सॉल्यूशन है। अब हम इनके अंदर इंडिकेटर डालते हैं, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर डालेंगे, देखते हैं क्या क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालते हैं, ये देखिए आप, जैसा कलर है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हम मिल्क के अंदर डालेंगे, और मिल्क के अंदर डालने से यदि मिल्क का कलर चेंज होता है, अब आप देखिए मिल्क के अंदर डालें तो उसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। इसी तरह जब हम कोकोनट ऑयल के अंदर डालेंगे तो क्या उसका कलर भी चेंज होगा? अब हम पोटैटो के अंदर डालते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा उसका कलर चेंज हो रहा है। ये लेमन वाटर है, इसके अंदर डालें तो इसका कलर देखिए आप। इधर हम साल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो इसका कलर देखिए। अब हमारे सामने ये अलग अलग टेस्ट ट्यूब हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस लिए थे। अब आप देख रहे हैं अभी इनके अंदर जो कलर है वो चेंज हुए हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद इनका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद जो अलग अलग सॉल्यूशन थे उनके कलर चेंज हो चुके हैं। जैसे हम ये देखें, ये बेस था तो इसका कलर है बिल्कुल मैजेंटा हो गया है, इसका पेल बिल्कुल, जैसे थोड़ा सा बिल्कुल पेल ग्रीन होता है, थोड़ा स्लाइटली वाइटिश उस टाइप का स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने कोकोनट ऑयल लिया था, क्योंकि जो इंडिकेटर है वो आपस में मिक्स हो ना हो, वो दोनों पोलर हैं या नॉन पोलर उसके अकॉर्डिंग, तो वो डिजोल्व, अब हमने देखा इसका कलर है बिल्कुल थोड़ा सा अलग हो गया है। ये मिल्क का कलर हो गया है, ये लेमन वाटर है बिल्कुल रेड कलर का हो गया है थोड़ा सा स्लाइटली, और ये हमारा साल्ट सॉल्यूशन है जो बिल्कुल डार्क ग्रीन हो गया है। तो ये अब हमारे सामने अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस थे जिनके कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर है डालने के बाद चेंज हो गए हैं। अब हम मैच करते हैं, अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास एक स्केल है, पीएच स्केल, जैसे इसके अंदर आप देखेंगे ये जो पीएच स्केल है, ये देखिए, हम इन कलर को मैच करते हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। जो ये कलर है और इसका जो कलर है, ये कलर है
इनका जो कलर है वो मैच कर रहा है। तो ये बेस है। उसके बाद अगर हम लेमन वाटर देखें जिसका कलर थोड़ा सा रेड टाइप का है, देखेंगे तो आप अंदा इजीली बता सकते हैं ये हमारा एसिड है। और ये हमारा मिल्क था, तो मिल्क का कलर देखिए आप, जैसे आपको लगभग ये 7 के नियर अबाउट है, थोड़ा डब जान से देखें तो इस तरह ये हमने अलग अलग सब्सटेंस लिए, इनके पीएच को मेजर करने की हमने कोशिश की।